नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। हमारा देश सदैव से ही सर्वे भवंतु सर्वे सुखिन सर्वे संतु निरामया की राह पर चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर आधारित सबका साथ सबका विकास के भाव को जोड़ दिया है। ऐसा कोई कालखंड नहीं है जब अनुसूचित जाति ने समाज का मार्गदर्शन न किया हो। आजाद भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान बनाया जो आज 142 करोड़ लोगों को उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक एकता के रूप सूत्र में ही जोड़ने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही सही मायने में बाबा साहेब को सम्मान दिया है। ये शब्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ के आनंद विहार में आयोजित अनुसूचित जाति जनजाति सम्मेलन में कहे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब से जुड़े स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। चाहे मेयू हो, दिल्ली, मुंबई, इंग्लैंड का वह भवन जहां रहकर उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की हो या नागपुर की दीक्षा भूमि, इन सभी स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जा रही है, जहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उच्च अध्ययन करने की व्यवस्था का काम अंतिम दौर में है। इस दौरान उन्होंने हापुड़ को 136 करोड़ की 102 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की सौगात दी। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सबका साथ सबका विकास केवल नारा नहीं है बल्कि यह योजनाओं में दिखता भी है। पहले योजनाएं व्यक्ति, जाति, मत और मजहब को लेकर बनती थी, लेकिन आज योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए किसी भी गरीब और वंचित को जानने का काम प्रशासन नहीं कर पाएगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी है। भारत की व्यवस्था सदैव से सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ जोड़ा है, इस पर आधारित रहा है। आप याद करिए, कौन सा ऐसा कालखंड था जब आज के हमारे अनुसूचित जाति में कहे जाने वाले बंधुओं ने, महापुरुषों ने समाज का मार्गदर्शन न किया हो। याद करिए, जब भगवान राम से साक्षात्कार कराना था तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसा ग्रंथ हम सबको दिया। याद करिए, जब दुनिया के अंदर अंधकार था तब इस बात का उद्घोष करने वाले कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों मानवीय पुरुषार्थों से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है वह मेरे इस ग्रंथ में है। जो इस ग्रंथ में नहीं वह नेत्र कहीं नहीं, भगवान वेद व्यास ने इसी तरह से उद्घोष किया था महाभारत जैसा महाकाव्य रच करके। और याद करिए, मध्यकाल में याद करिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा का उद्घोष करने वाले संत रविदास जी को भी इसी समाज ने आगे बढ़ा करके भक्ति का एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी हम सब के लिए प्रेरणा बना हुआ है। देश आजाद होना था, आजाद भारत में कैसी व्यवस्था चाहिए, एक संविधान के निर्माण की आवश्यकता थी और उस संविधान का निर्माता के रूप में अगर किसी ने दिया, किसी समाज ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश को दिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा से एक ऐसा संविधान बना जो आज 142 करोड़ लोगों को एकता के सूत्र में जोड़ करके उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक जोड़ने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में अगर किसी ने सम्मान दिया है, वह सम्मान दिया है आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला बुलंदशहर में 632 करोड़ की 256 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने मंच से संबोधन करते हुए कहा कि सुरक्षा में सेंध लगाने की छूट हमारी सरकार नहीं देती। बहन बेटियों की सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा उसको सरकार पाताल से भी खोज कर लाएगी। सुरक्षा होगी तो निवेश, रोजगार, राम राज्य आएगा। जहाँ पहले गुंडा टैक्स लगता था, आज वहाँ निवेश के प्रोजेक्ट लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से जो अभियान शुरू हुआ उसका परिणाम है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की देश की बिल्ली बेटियां मेडल आती हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले राजकता थी, दंगे होते थे, आज दंगाई बलवाई गले में तख्ती लटकाकर जान की भीख मांगते दिखते हैं। वहीं सीएम ने कहा कि नारी शक्ति के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो अभियान शुरू हुआ उसका परिणाम है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेटियां देश के लिए मेडल लाती हैं। नए भारत में जाति मत मजहब के आधार पर कार्य नहीं बल्कि समान अधिकार से लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही योगी सरकार के आयोजन में सभी खिलाड़ियों का सम्मान भी करेगी। इसके अलावा हर परिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना दी। इस दिवाली मुफ्त सिलेंडर भी दिए जाएंगे। देश में लगभग 10 करोड़ लोगों को रसोई गैस सिलेंडर दिए गए। उत्तर प्रदेश में ही सिर्फ 1,75,00,000 सिलेंडर दिए गए। और सीएम योगी ने यह भी कहा कि सरकार ने देश के अंदर 4 करोड़ गरीब परिवारों को सिर पर छत दी है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55,00,000 आवास दिए गए। देश में 12 करोड़ शौचालय और उत्तर प्रदेश में 3.25 करोड़ शौचालय के माध्यम से नारी गरिमा की सुरक्षा की गयी। आज हम सब आपको इस बात के लिए बधाई देने के लिए आए हैं कि नारी बंधन अधिनियम इसमें मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। देश की संसद में वर्षों से लोगों को प्रतीक्षा थी कि अधिनियम पारित होगा। अब बहनों को पंचायत की तरह, स्थानीय निकाय की तरह, विधानसभा और लोकसभा में भी 1/3 सीटों पर अतिरिक्त विजयी बनने का और चुनकर जाने का एक अवसर प्राप्त होगा। आप में से अगली बार तो बहुत सारी बहनें ऐसे होंगी जब इसमें पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने और परिसीमन होने के बाद बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो विधानसभा में विधायक के रूप में और संसद में सांसद के रूप में चुन करके जाएंगी। भाइयों बहनों, इसके लिए अभी से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने की आवश्यकता है, जिन्होंने आधी आबादी के सम्मान को और उनकी गरिमा को बनाए रखने में इस अधिनियम को पुरजोर तरीके से लग करके आपका सम्मान बढ़ाया है, आपकी गरिमा को बढ़ाया है। और लगातार 9.5 वर्ष से जो इस अभियान के साथ लगे हैं कि योजनाओं पर व्यक्ति नहीं, जाति और मत और मजहब नहीं, बल्कि सबका समान अधिकार होना चाहिए। वर्तमान में हमने मिशन शक्ति के 4वें संस्करण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मिशन शक्ति का यह 4वां संस्करण एक बार फिर से प्रभावी ढंग से नारी गरिमा की सुरक्षा करते हुए, उनके सम्मान को विविध करते हुए, उनके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने का एक अभियान है। और इसकी शुरुआत हमने 2020 में की थी। इस अभियान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए यह कार्यक्रम लगातार केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए कौन से कार्यक्रम कर रही है, इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का, जन जागरण का और उनको प्रभावी ढंग से लागू करने का एक अभियान है। इस क्रम में लगातार एक ओर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी हर एक स्तर पर, गांव पंचायत में, नगर में, वार्ड स्तर पर, स्कूल कॉलेज में उपलब्ध करवाई जा रही है, वहीं सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्वों पर भी कार्रवाई के लिए प्रभावी एक्शन भी लिए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा उस व्यक्ति को फिर
कहीं भी जाएगा पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको, और पाताल से ढूंढ निकालने की कार्रवाई लगातार चल रही है। लगातार उस अभियान को हम आगे बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि हमें मानना है आधी आबादी सुरक्षित तो सब कुछ सुरक्षित, सब कुछ अपने आप सुरक्षित हो जाता है। उद्योग लगते हैं, कारखाने लगते हैं, रोजगार का सृजन होता है, खुशहाली आती है, अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ता है, और यहीं से शुरुआत होती है राम राज्य की स्थापना का। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा एवं एसपी सिटी अभिमन्यु मांगली के निर्देशन में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की दिशा में मिशन शक्ति फेस फॉर अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम जयेंद्र यादव, थाना मंडी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने सब इंस्पेक्टर संजय शर्मा, थाना मंडी स्टाफ और मुन्ना लाल डिग्री कॉलेज स्टाफ और छात्राओं के साथ थाना मंडी क्षेत्र में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस रैली के माध्यम से महिलाओं को मिशन शक्ति, जननी सुरक्षा योजना, निराश्रित विधवा पेंशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि योजनाओं के प्रति महिलाओं को जागरूक किया गया। थाना सदर बाजार और स्वाट टीम सहारनपुर द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए वांछित छह छात्र लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान मिनी बाईपास चौराहा रामनगर के पास मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया, तो उन लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। तभी हड़बड़ाहट में बदमाशों की मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गयी। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों को पकड़ लिया गया। सख्ती से पूछताछ करने पर दोषियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। जी हाँ, 15 सितंबर की रात को एक घटना हुई थी। इसमें वादी गिरीश बजाज, जिनका मेडिकल स्टोर की दुकान है घंटा घर पे, उनके साथ तीन लड़कों ने जो घात लगा के बैठे हुए थे पैरामाउंट के जस्ट सामने, उनके घर के जस्ट सामने तीन लड़के जो मोटरसाइकिल पे थे, मुंह बांधे हुए थे, उन्होंने स्कूटी उनकी गिराई, स्कूटी इनसे छीनी और स्कूटी में जो कैश था ₹1,00,000 वो इनसे लूट लिया गया था। इसमें हमने सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से इसमें करीब 100 से 150 सीसीटीवी फुटेज देखे गए हैं, जिसमें जब पूरी घटना का इस तरह अनावरण इस तरह पाया गया कि ये जो लड़के हैं, जो तीन लड़के हैं, तीन लुटेरे हैं, ये शेखपुरा कदीम के रहने वाले हैं। ये टोटल 6 लोग थे, इन्होंने 2 टीम अपनी बनाई थी, एक टीम इनसे अलग हो गई थी पहले ही, और उसका काम ये था कि किशनपुरा मेडिकल स्टोर, जहाँ पे इनकी मेडिकल स्टोर की दुकान है, वहाँ पे जाके उन्होंने ये मुखबिरी करी थी कि ये अपनी दुकान से निकल गए हैं और अब अपने घर की तरफ पहुंचने वाले हैं। ये जो टीम है ये पूरी तरह टच थी, जो हसनपुर चौकी क्षेत्र में पैरामाउंट के जस्ट घर के बाहर पे इनकी घात लगाए बैठी थी, टच में थी, और जैसे ही वहाँ पे अपनी स्कूटी लेके पहुँचते हैं वादी, तो उनके बाद ये घटना कारित हो जाती है। इसमें जो हमने पूछताछ में पता किया है, तो मेन जो इसमें आदमी है वो अमन जैन है, जिसके द्वारा ये बताया गया था कि इस तरह ये जो दवा व्यापारी हैं ये कैश हैंडल करते हैं और किस किस दिन इनके पास कैश ज़्यादा मात्रा में रहता है। अमन जैन पहले ही इनकी दुकान में 5-6 महीने पहले काम किया हुआ है और इसने इनके यहाँ काम छोड़ दिया था, वो कैश अकाउंटेंट का ही काम देखता था, और उसके द्वारा ही ये पूरी जो प्लानिंग करी गई थी, और इसमें ये 6 लोग हमारे जो आज पकड़े गए हैं, इनको आज चालान करके इनको आज कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।